अहम खबर दें, तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल के करीब कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भी कारकुनों पर शेलिंग कर दी है। मजीद जानते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस की जानिब से शेलिंग का जबकि कारकुनान की जानिब से पथराव का सिलसिला जारी है। इससे कबल डी चौक में जो है वो कारकुनान की जानिब से पथराव जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और अब पोली क्लिनिक के मुकाम पर जो है कारकुनान की जानिब से कंचे जिन्हें बंटे भी कहा जाता है वो जो है गुलेल के जरिए मारे जा रहे हैं जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से भी शदीद जो शेलिंग है उसका सिलसिला जारी है। पुलिस जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कारकुनान को रोकने की जबकि दूसरी जानिब कारकुनान भी हमें जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और कंटेनर्स को हटाने की उनकी जानिब से कोशिश की जाती है। साथ ही साथ पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव भी किया जा रहा है। इससे कबल कुछ कारकुनान जो है वो डी चौक पहुंचे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारकुनान की अगर डी चौक से बात की जाए तो डी चौक से मजमू तौर पर 13 कारकुनान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान समेत उज्मा और दीगर कारकुनान। इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से अपडेट करी थी आसिया कौसर, बहुत शुक्रिया आपका।